हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आपसे बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं टीबीसी के डायमंड फेशियल किट का आप लोगों के साथ रिव्यू करूं, तो जी हां, आज वो टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यू करती हूँ। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हूँ और फुल स्टेप के साथ मैं आप लोगों को आज इसकी फुल डायमंड फेशियल किट दिखाऊंगी कि इसका कैसा है, क्या इफेक्ट है। तो मैंने बड़ा पैक लिया है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसके साथ मुझे क्या क्या मिल रहा है। ये है टीबीसी की डायमंड फेशियल किट, परफेक्ट फॉर एवर मैक्सिमम रेडिएंट वाइटनिंग फेशियल किट। तो बड़ा पैक है मेरे पास और ये मुझे गिफ्ट दिया था मेरी मासी ने मेरी एनिवर्सरी पे। तो इसे मैंने अभी एक ही बार यूज़ किया है। इसमें 4-in-1 स्टेप है, मैं भी आपको पूरा दिखाऊंगी। और तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या मुझे मिला। तो जस्ट आ गिफ्ट जो लिखा था इसमें, एक मुझे डायमंड का जो है वो फेस वॉश मिल रहा है, यानी कि फेस वॉश मुझे इसमें मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि जैसे जो लोग नहीं जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं। जैसे 1 स्टेप, अगर कैमरा कैप्चर, जैसे स्टेप 1, देन स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4। तो 4 स्टेप की ये फेशियल है। मैंने एक ही बार अभी यूज़ किया, आई थिंक मैं इसे 5-6 टाइम यूज़ कर सकती हूँ। और मैंने वो अप्रैल में यूज़ किया था, लेकिन आज मैं फिर यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं मुझे बाहर जाना है। तो मैंने सोचा एक बार फेशियल करके अपना फेस अच्छे से क्लीन करके देन जाती हूँ, क्योंकि इधर मैंने कोई भी क्लीनअप नहीं लिया था, कुछ भी ऐसा नहीं ट्राई किया था। तो अब मैं इसे करने वाली हूँ, तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कि फिर कैसे स्टार्ट करना है। देखा है ये 4 स्टेप फेशियल है और इसकी तैयारी के लिए क्या करना है। पानी लिया है मैंने, हल्का सा गुनगुना लिया है क्योंकि ठंड है, और कुछ टिश्यू पेपर लिए हैं पोंछने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फेस को, मैं यहाँ पे ये जो फेस वॉश है इसके साथ क्लिनजर दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी एक बार फेस वॉश से फेस को जो है वो क्लीन करना प्रिफर करूँगी। तो हल्का सा पानी लीजिए। इसकी फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छी है, मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। और फेस को इसलिए भी क्लीन मैं कर रही हूँ कि जो भी मैंने मॉइस्चराइजर या जो भी कुछ लगाया है वो अच्छे से मेरे फेस से निकल जाए। अच्छे से वॉश कर लिया है, इसका फेस वॉश काफी इफेक्टिव है। तो अब मैं नंबर 1 की जो है वो ट्राई करूंगी, और इसमें जो नंबर 1 है वो क्लिंजर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये क्लिंजर दिया हुआ है और इसको कुछ थोड़ा सा ही लेना है। और इसमें अभी बहुत है, मतलब मैं 3-4 बार और इसे फेशियल कर सकती हूँ। हल्का सा पानी लीजिए, डन स्टार्ट करिए। के बाद जो क्लीनअप है उसे करने के बाद अच्छे से आपको ये निकाल देना है। और मैंने फेस को वॉश किया था तो फेस पे ऐसा कुछ भी डस्ट नहीं है, आप देख सकते हैं। पूरा फेस क्लीन है। अब बारी है मेरे स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में मुझे मिलता है स्क्रब। तो स्टेप 2 में मुझे मिलता है स्क्रब, तो अब स्टार्ट करती हूँ। मैंने अप्रैल में की थी फेशियल और उसके बाद मैंने अभी तक फेशियल नहीं की है।
और थोड़ा सा ही पानी लगाइए। तो जब स्क्रब अच्छे से हो जाए, एक मिनट ही करिएगा स्क्रब को, स्क्रब जब अच्छे से हो जाए तो आपको इसे भी निकाल देना है। फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है स्क्रब से ही। तो अब जो मेरा थर्ड स्टेप है वो है क्रीम का, यानी कि अब मुझे मसाज करनी है अच्छे से। तो इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट अच्छे से दीजिएगा, ताकि जितना भी हमने अपने फेस को एक हार्शनेस दी है स्क्रब्स के क्रीम के थ्रू, उसको बहुत अच्छे से नरिशमेंट हम दे दें, उसको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें। मैक्सिमम किया, उसके बाद इसको भी आपको अच्छे से निकाल देना है। और इसके बाद एक बार अच्छे से थोड़ा सा वॉश कर लीजिए या फिर स्पंजिंग कर लीजिए। फेशियल का लास्ट स्टेप बचता है, वो है पैक। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं पैक। और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे अभी से एक बहुत अच्छी सी शाइनिंग आई है, और नेचुरल शाइनिंग है ये। को आप सूखने देखते हैं, 3 से 4 मिनट लगेंगे सूखने के, देन उसके बाद वॉश करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
बार मैंने फेस को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है तो आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आया है। और आप सब जानते हैं फेशियल का इफेक्ट जो है वो दो तीन दिन बाद ही बहुत नेचुरल आता है, लेकिन इस फेशियल की सबसे खास बात यह है कि इसका ग्लो जो है वो इंस्टेंट आया है। और इसका छोटा पैक भी आता है, ट्राई कर सकते हैं। इसके पहले मैंने आपके साथ एक VLCC की फेशियल भी ट्राई की है जो मिनी पैक आता है 99 का। और मैंने आप लोगों के साथ जिनको भी जैसे बाहर की फेशियल्स या केमिकल नहीं सूट करता है तो उनके साथ मैंने होममेड फेशियल भी शेयर किए हुए हैं, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ग्लो बहुत अच्छा है तो बेफिक्र होकर आप TDC का फेशियल यूज़ कर सकते हैं। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।